वीडियो कॉल पकड़वाएगा ड्यूटी ना करने वालों को। कलेक्टर वचनेश अग्रवाल शुरू करेंगे अब वीडियो कॉल। चिकित्सकों और स्कूल प्रिंसिपल की सूची हो गई है तैयार। किसी भी वक्त किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हैं कलेक्टर। कहां समय पर न आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही। समय से पहले जाने वाले और बीच में गायब होने वालों की भी अब खैर नहीं। अस्पतालों में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ तथा स्कूलों में प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा समय पर न आने या फिर समय से पहले चले जाने की शिकायतों के समाधान के लिए झुंझुनू कलेक्टर वचनेश अग्रवाल ने नया तरीका ढूंढा है। दरअसल अब वीडियो कॉल के जरिए कभी भी किसी भी चिकित्सक कर्मचारी प्रिंसिपल या फिर शिक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगाया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर वचनेश अग्रवाल ने CMHO से पूरे जिले के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की नाम और मोबाइल नंबर से सूची तैयार करवाई है। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी से प्रिंसिपल्स की भी लिस्ट तैयार करवाई जा रही है। वचनेश अग्रवाल ने बताया कि अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों में कार्मिक या तो समय पर नहीं आते हैं, आते हैं तो समय से पहले ही चले जाते हैं या फिर ड्यूटी के दौरान भी गायब हो जाते हैं। इसलिए चिकित्सक और प्रिंसिपल्स की सूची तैयार हो गई है। वे रेडमली किसी भी प्रिंसिपल और चिकित्सक को वीडियो कॉल कर संस्था का हाल जान सकेंगे। इसके अलावा सभी CBEO और BCMO को भी निर्देश दिए हैं कि वे दौरे करने के अलावा वीडियो कॉल के जरिए कार्मिकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करें। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अन्य विभागों के अधिकारियों से भी कहा कि वे अपने अपने फील्ड में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी वीडियो कॉल के जरिए चेक करें, इसमें लापरवाही मिलने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। मुझे कुछ समय पहले ये सूचना मिली थी कि झुंझुनू जिले में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें कुछ चिकित्सक समय पर नहीं आते हैं या समय पूर्व हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं। इस संबंध में मैंने जिले के CMHO को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी PSC CSC या अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनकी सूची और उनके डॉक्टर्स में मोबाइल नंबर मेरे को प्रोवाइड करें, ताकि उनका हॉस्पिटल में आने के समय, जाने के समय या बीच में वीडियो कॉल के माध्यम से सत्यापन कभी कभी किया जा सके, ताकि जिले के निवासियों को चिकित्सा सुविधा बराबर मिलती रहे। इसी तरह की आज एक मैंने एजुकेशन में भी मीटिंग ली है, उसमें मैंने DOs और CDO दोनों को कहा है कि आप भी समय समय पर अपने ऑफिस से किसी भी हॉस्पिटल के रेंडमली वीडियो कॉल करके और ये पता करें कि वहाँ पे उस स्कूल की व्यवस्थाएं क्या है, वहाँ पे अटेंडेंस की व्यवस्था क्या है, चाहे बच्चों की अटेंडेंस की बात हो और चाहे शिक्षकों के अटेंडेंस की बात हो। सभी विभागों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी विभाग अपने जो फील्ड फंक्शनरीज हैं उनके बारे में अपने समय समय पर वहाँ के दौरे भी करें और साथ में अपने ऑफिस में बैठ के भी कभी कभी वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी सूचना मिले। निश्चित रूप से सेवा नियम बने हुए हैं, उन सेवा नियमों में अगर कोई जानबूझ के एब्सेंट रहता है, बिना कारण एब्सेंट रहता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, तो वो की जाएगी।